राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस के शपथ लेते ही अकोला को मंत्री पद मिलने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। इस बार किसे मंत्री पद मिलता है इसे लेकर अकोला पूर्व पश्चिम के विधायकों के नाम आगे चल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनते ही अकोला की आशाएं बढ़ गई है। इस बार फडणवीस सरकार में किसे लाल बत्ती मिलती है इसकी चर्चाएं अकोला जिले में शुरू हो गई है। देवेंद्र फडणवीस के खास रहे डॉक्टर रंजीत पाटिल को फिर से एक बार मंत्री पद मिलेगा या फिर ज्येष्ठता के आधार पर छठवीं बार अकोला पश्चिम से विधायक चुने गए गोवर्धन शर्मा को लाल बत्ती मिलेगी इस पर चर्चा शुरू हो गई है। इन दोनों नामों के साथ ही अकोला पूर्व से दूसरी बार चुने गए रणधीर सावरकर का नाम भी चल रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे के गुट के विधायक गोवर्धन शर्मा व विधायक रणधीर सावरकर के नामों में से एक नाम पर अकोला जिले के पालक मंत्री के रूप में अंतिम मुहर लग सकती है। इस प्रकार की संभावना आकलन के बाद लगाई जा रही है। अकोट के विधायक प्रकाश भारसाकले व मुर्तिजापुर के विधायक हरीश पिंपले के नाम रेस में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं।